उत्तर प्रदेश से आज बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद का पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया है। वहीं प्रयागराज में असद के एनकाउंटर की जानकारी मिलने पर लोग सड़कों पर मिठाई बांटते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि स्पेशल टास्क फोर्स ने आज झांसी के पास हुई एक मुठभेड़ में अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद असद को शूटर गुलाम के साथ मार गिराया। दोनों के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी में डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ को अंजाम दिया। दोनों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ उस दिन हुई जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की अदालत में पेश किया जा रहा है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने कहा कि एसटीएफ ने दोनों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद टीम को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच अदालत में सुनवाई के दौरान अतीक अहमद को अपने बेटे के एनकाउंटर की सूचना मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश के साथ।